सॉरी मिस्टर जागीरदार, हमारे पास प्रांजल के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, हम उन्हें गिरफ्तार करने आए। इंस्पेक्टर, आप प्रांजल को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? क्या सबूत है आपके पास प्रांजल के खिलाफ? बिजनेस और पर्सनल रिलेशन में दोनों भाइयों के बीच में काफी झगड़े भी थे, इसके बारे में हमारे पास सबूत भी है और इन्फॉर्मेशन भी। गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अगर ऐसा होता तो प्रांजल दक्ष को ढूंढने नहीं जाता। ऐसा है तो प्रांजल सामने क्यों नहीं आता? इससे ये तो साबित हो जाता है कि कुछ तो ऐसी बात है जो कारपेट के नीचे है, जो नजर नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, जो सच है वो सबके सामने है, और जो सबके सामने नहीं है वो सच नहीं है। जो सामने नहीं है वो भी सामने आ जाएगा, इनफैक्ट आ चुका है। ये झूठ है इंस्पेक्टर। पलक बेटा शांत हो जाओ, ये बातें सच और झूठ का फैसला नहीं करती। जैसे ही प्रांजल के बारे में कोई भी खबर मिले प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जब तक प्रांजल घर पे नहीं आता तब तक पुलिस सिक्योरिटी आपके घर के बाहर रहेगी। चलो पापा, अब हमें माँ के खिलाफ कंप्लेन कर देनी चाहिए। नहीं बेटा, वो ठीक नहीं होगा। तुम तो जानती हो माँ पूर्णानंदा हमें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन पापा, हमें कुछ तो करना होगा ना, वरना ये पुलिस वाले प्रांजल को अरेस्ट कर लेंगे। प्रांजल अगर निर्दोष है तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मैं जानता हूं प्रांजल निर्दोष है। अब आप चलिए, चलकर आराम करिए। मम्मा। पलक बेटा कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूं मैं? रो मत बेटा, रो मत, भगवान पर भरोसा रख बेटा, वो सब ठीक कर देंगे। बेटा मैं मंदिर जा रही हूं, भगवान से प्रार्थना करूंगी वो तुम्हारी जिंदगी की खुशियां तुम्हें वापस लौटा दे। मैं आपसे आकर मिलती हूं मम्मा। ठीक है बेटा, बाय। आ गए बेटा? हाँ। अरे हाँ, तुमने कहा था तुम लॉयर से बात करोगे, प्रांजल की एंटीसेपिटरी बेल हो गई। वो दादी जी, मैंने वकील से बात करने की बहुत कोशिश की पर वो बहुत बिजी है आजकल, तो मैं कर रहा हूँ कोशिश, हो जाएगा कुछ अच्छे। अरे दादी जी, इतना बड़ा पागल नहीं हूँ जो प्रांजल की बेल करवाऊंगा। मुझे तो दोनों हाथों से माल बटोरने का मौका मिल रहा है, अगर मैंने अभी माल नहीं बटोरा तो कभी नहीं बटोर पाऊंगा। इसे कहते हैं दो बंदरों की लड़ाई में एक समझदार कलंदर। अरे पलक बेटा कहाँ जा रही हो? दादी वो मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर ही जा रही हो ना, भूलना मत हमारे घर में पहले से ही बहुत टेंशन है। हाँ। और हाँ, अगर तुम्हें दोबारा पुलिस स्टेशन जाना हो तो पहले से ही बता देना, हम कुछ और इंतजाम करके रखे। हो ये
ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? एक तो पलक पहले से ही बहुत दुखी है, तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरी इस घर में कौन सुनता है? कनम्मा, पलक नहीं फलक होना चाहिए। हाँ, हमेशा बिजली गिराती रहती है। बस आनंदी, मंदिर ही जा रही हो ना? अगर तुम्हें दोबारा पुलिस स्टेशन जाना हो तो पहले से ही बता देना, हम कुछ और इंतजाम करके रखे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ आशा, बहुत खुश हूँ। तुमने आज की हेडलाइंस पढ़ी? जागीरदार वर्सेस जागीरदार, क्या दक्ष की लापता होने में प्रांजल का हाथ है? क्या भाईचारा है, एक औरत ने एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना दिया। इसे कहते हैं कलयुग की महाभारत। बेचारा प्रांजल, वो मुझे देवी माँ समझता है और उसकी देवी माँ उसे अपनी उंगलियों पे नचा रही है और वो नाच रहा है। कहते हैं ना, किसी की कमजोर नब्स को दबा दो तो आपके सामने टूटकर बिखर जाता है, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह। प्रांजल ये नहीं जानता कि माँ पूर्णानंदा अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकती है। पलक, मैं हार गई माँ, मैं हार गई। ऐसा नहीं कहते बेटे, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। लेकिन देर भी क्यों है माँ? क्योंकि भगवान बुरे इंसान को भी वक्त देता है बेटा। भगवान तो कहते हैं इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है हर किसी को, उस माँ को भी। उसे भी अपना हिसाब चुकाना होगा, उसका भी वक्त आ रहा है। और जब वक्त आता है ना, तब किसी की नहीं चलती, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब यूं चुकता हो जाता है। चलो बेटा, घर चलते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे थे। कहा था उन्होंने मुझसे तुम्हें साथ लेकर आने के लिए। चलें। सुमलोत्रा, जागीरदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने जो वक्त तय किया था उस वक्त में हम माल नहीं पहुंचा पाए, फिर भी हम कोशिश करें। हेलो, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। क्या हुआ बाबा जी? अच्छा हुआ बेटा देव तुम आ गए। वो मल्होत्रा जी का जो माल पहुंचाना था उसका क्या हुआ बेटा? बाबा जी वो कुछ। बेटा तुम बिजनेस की क्यों चिंता कर रहे हो? देव है ना, संभाल लेगा सब कुछ। यूं ही फिक्र करोगे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। जाओ, जाके आराम करो। माँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ पापा जी, आप प्लीज आराम कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, अब चलिए आराम कर लीजिए। जाओ बेटा। देव, बेटा तुमने प्रांजल के एंटीसेपिटरी बेल के लिए लॉयर से बात की? हाँ दादी जी, वो लॉयर से मैंने बात की थी, वो कह रहा था कि जब तक प्रांजल गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक बेल नहीं मिल सकती। तो अगर गिरफ्तारी करना है तो फिर लॉयर की क्या जरूरत है? मैंने भी यही कहा लॉयर से, ये क्या बेकार की बातें कर रहा है, पर मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं इनसे कह के किसी दूसरे लॉयर से बात करवाती हूँ।
ये बुढ़िया तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। कभी किसी को जेल से लेके आओ, कभी किसी की बेल लगाओ, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पापा मुझे जो भी करना होगा जल्दी से करना होगा। घर के दोनों बेटे घर से बाहर है, देव बिजनेस संभाल रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं देव घर की बुनियादें ना हिला दे। पापा मुझे देव पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है, जरा भी भरोसा नहीं है। देखो बेटा, जब अपने पास से भरोसा उठ जाए तो आदमी बाहर वालों पे क्या भरोसा कर सकता है। मैं तो यही कहूंगा, इस वक्त तुम कुछ मत कहो, चुप रहो। तुम तो जानती हो प्रांजल पर कितना बड़ा इल्जाम है कि उसने अपने सगे भाई को किडनैप किया है। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रांजल को अच्छी तरह से जानती हूँ। दुनिया का काम ही है दुनियादारी करना। बेटा फिर भी पापा प्लीज आप आराम कीजिए, ये सब मैं हैंडल करूंगी। क्योंकि मुझे शक है कि ऑफिस में कोई ना कोई जरूर है जो प्रांजल और दक्ष को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि वही इंसान माँ का इन्फॉर्मर भी है। पता नहीं बेटा क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे पापा जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तुम इस सब में मत पड़ो बेटा, आखिर तुम बहू हो उस घर के। मम्मा, अगर हमारे घर में ऐसा कुछ होता तो क्या तब भी आप कहती कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं इस घर की बेटी हूं? मम्मा, मैं उस घर की बहू हूं और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस घर की सारी तकलीफें दूर करने की कोशिश करूं। आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कभी आपकी नजरें झुकने नहीं दूंगी, ट्रस्ट मी। जानती हूं बेटा, जानती हूं मेरी परवरिश कभी कमजोर नहीं पड़ सकती और ना ही किसी हालात में हार सकती, जानती हूं मैं। सुनिए, क्या सोच रहे हैं आप? थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूं। देखिए, आप इस तरह चिंता करते रहेंगे ना तो मेरा क्या होगा? जीवन की इस शाम में आप मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? अभी तो हमारी वो जिंदगी भी शुरू नहीं हुई जिसमें पति पत्नी सिर्फ एक दूसरे के लिए जीते हैं। और आप सुषमा, ऐसी बातें करके तुम मुझे और परेशान मत करो। मैं आपको परेशान करने नहीं आई, आपकी परेशानियां दूर करने आई। मैं ये सोच रही थी कि जब तक प्रांजल और दक्ष वापस नहीं आते, हम बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी देव को दे दें। देव के लिए काम भी आसान हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? ठीक है, तुम्हें ये सही लगता है तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। हम बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी देव को दे दें। देव के लिए काम भी आसान हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? ठीक है, तुम्हें ये सही लगता है तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। देवता जी, बोलिए जी। हाल चाल कैसा है? आप आ गए हैं तो बहुत अच्छा होगा। वैसे देव, घर के दोनों सपूत घर पर नहीं है। इसका मतलब घर जमाई ने खूब जमकर कमाई कर ली होगी। क्यों? क्या बकवास कर रही हो केशवी? घर वालों को मेरी जरूरत है, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। फर्ज? इतना भारी भरकम शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। देखो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कर्जदार फर्जदार कब से बन गया। देव, अपने ही कर्ज नहीं चुका पा रहे हो, इनके फर्ज कहां निभाओगे?
केशवी, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं तुमसे बात करके अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ पार्टी में। तुम्हें चलना है तो चलो साथ, नहीं तो यहीं पे खड़े खड़े बोलती रहो। देव, वैसे तुमसे बात करने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतनी रात गए, देव यहाँ ऑफिस में क्या कर रहा है? माय गॉड, देव ने दक्ष के कंप्यूटर डेटास के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, यानी कि मेरा शक सही निकला। देव हमारे ऑफिस में एक बहुत ही घटिया खेल खेल रहा है। कंपनी के अकाउंट्स में बहुत हेरा फेरी की है देव ने। हो सकता है कंपनी में पैसों का जो फ्रॉड हुआ हो वो देव ने ही किया हो और सारा इल्जाम दक्ष पर डाल दिया हो। हो सकता है दक्ष को फंसाने में भी देव का ही हाथ हो। मुझे देव से बात करनी होगी, अभी और इसी वक्त। कैसे फील कर रही हो? ठीक है, बेटर। ओके, मिस्टर देव, आप इनका ट्रीटमेंट कब शुरू कर रहे हो? क्योंकि अगर हमने अभी उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और देर हो जाएगी से कहने का क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहते हैं? कि अगर अभी हमने जाह्नवी का ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो शायद हमें जाह्नवी को खोना पड़ेगा। I don't care। मुझे जाह्नवी की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप सिर्फ बच्चे को बचाइए, सिर्फ बच्चे को। क्या कह रहे हैं आप? जाह्नवी आपकी पत्नी है, पत्नी। अरे भाषण मत दीजिए डॉक्टर साहब, जानता हूं मेरी पत्नी है। भले ही इसके लिए मुझे जाह्नवी को क्यों ना खोना पड़े। आपको जितने पैसे चाहिए मैं ला के दूंगा, लेकिन आप सिर्फ बच्चे को बचाइए।